हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, इससे मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए, स्केचिंग के लिए, सबसे पहले आपको पेंसिल का यूज़ करना होगा। पेंसिल आप कोई से भी ले सकते हैं, सिंपल पेंसिल भी ले सकते हैं। इसके अलावा स्केचिंग की भी पेंसिल्स आती हैं, वो भी यूज़ होती हैं। तो आपके पास जो हो वो आप ये ले सकते हैं। ये स्केचिंग की भी पेंसिल्स हैं, इसमें नंबरिंग के साथ ये पेंसिल्स आती हैं, डार्क एंड लाइट शेड में होती हैं। डार्क जो है वो डार्क शेड देने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर लिया है और गोल्डन कलर मैंने इसको शेड दिया है। ये गोल्डफिश के कलर्स हैं, ये कोई ब्रांडेड कलर्स नहीं हैं, आम कलर्स हैं और इजीली आपको मिल जाते हैं। बिगनर्स के पास तो ऑलरेडी ये कलर्स मौजूद होते हैं। तो गोल्डफिश के कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसकी लाइट के लिए मैंने यूज़ किया है गोल्डन कलर, ऑरेंज कलर, गोल्डन येलो कलर, यानी येलो कलर का मैंने यूज़ किया है जो कि इसकी लाइट में यूज़ हुआ। इसके अलावा और भी शेडेड में कलर्स होते हैं। ब्लेंडिंग के लिए मैंने ब्रश यूज़ किया है और आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ब्रश के अलावा आप कॉटन बूट या तो फिर आप टिशू पेपर की मदद से भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजीली ब्लेंड होते हैं। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास स्केचिंग की पेंसिल्स हैं तो वो बेहतर है इसके ब्लेंडिंग के लिए, वो ख़रीद लें। और ये देखिए मेरी ड्राइंग कंप्लीट है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।